तो हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग आप सभी को और मेरे चैनल में आप सबको दिल से स्वागत करते हैं। और आप लोग देख रहे हैं सासु ब्लॉग, और जो कि हमारे सासु ब्लॉग का जो लैंग्वेज है आज हम चेंज करेंगे, क्योंकि इससे पहले बंगाली भाषा में हम बोलते थे, जो कि इसी मुंह से आप लोग को सुनने के लिए मिलता था। और एक बात कि अभी मैं सुबह सुबह उठ चुका हूँ, अभी टाइम हो रहा है आपका, इतना टाइम हो रहा है, इधर से देखा 8:45, और आज है बृहस्पतिवार, दिवाली का तीसरा दिन, और ठंडा भी लग रहा है दोस्तों, और क्या बोले, बहुत ही ठंडा लग रहा है। तो अभी हम सबसे पहले तो हम हमारे जो सूर्य जो है ना, सूर्य जी, उसको हम मेरा दिल से प्रणाम, उसको प्रणाम करते हैं। और हम डेली दोस्तों सुबह सुबह उठकर पहले सूर्य जी को प्रणाम करते हैं, ये हमारे परंपरा है, चलते आ रहा है, तो क्या करें। और अभी हम जाएंगे नहा धोकर फ्रेश होंगे और जाएंगे किसके पास, हमारे केशव भाई के पास, जिनके पास हम जाएंगे कि हमारे यूट्यूब का जो सेटिंग है कुछ बंगाली भाषा में किया हुआ है, तो उसको जाके हम हिंदी में करेंगे। हमको नहीं आता है ज़्यादा, उनको ज़्यादा नॉलेज है इस सब बारे में। और एक बात कि हमको नहीं आता है दोस्तों, इसीलिए कि हम ज़्यादा पढ़े लिखे नहीं हैं दोस्तों, जितने भी हैं भगवान का दिए हुए हैं उतनी में, उतना में ही हम खुश हैं और आप लोग का प्यार है। तो चलिए हम नहा धोकर फ्रेश होते हैं, उसके बाद आप लोग को दिखाते हैं केशव भाई के पास जाते हैं, उसके बाद दिखाते हैं आप लोग का। वीडियो में जुड़े रहिए और वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और बताइए कैसे लगा, और चैनल पे नहीं है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ठीक है। तो चलिए जाते हैं। तो हेलो दोस्तों, राम राम। तो अभी फाइनली हम नहा धोकर फ्रेश हो चुके हैं और अभी जाने ही वाले थे केशव भाई के पास, और सोचे कि हमारे जो एक छोटा सा घर है और घर के ऊपर जो एक छोटा सा हम लोग गार्डन बना के रखे हैं, ज़्यादा नहीं होगा, वही 2-4 10 वो पेड़ लगा के रखे हैं, फूल फूल का है, और जो मतलब कि 2-3 फूल का हो जाएगा, और एक तुलसी जो हम लोग पूजते हैं, सुबह सुबह पानी डालते हैं, देख सकते हैं अभी हम पानी डाले हैं यहाँ, जो तुलसी का पेड़ है उसमें, और ख़ास करके हमारे बंगाल में ज़्यादा पूछा जाता है उसको, ठीक है। और हमारा छोटा सा घर ये किचन, ठीक है, और ये बेडरूम जो अभी हमारे भैया जी रहते, बड़े भैया, और हम तो नीचे रहते हैं। तो चलिए, और छोटा सा जिसके बारे में हम बता रहे थे कि छोटा सा जो गार्डन के बीच में जो एक हम लोग का पेड़ है, करीब 1.5 साल हो जाएगा, 1.5 से 2 साल हो जाएगा उस पेड़ को लगाने के लिए। तो आप लोग सोच सकते हैं कि क्या वाकई क्या चीज़ होगा वो, तो चलिए दिखाते हैं आप लोग को, वीडियो में जुड़े रहिए। तो दोस्तों देख सकते हैं यहाँ एक नहीं दो दो है हम लोग का, ठीक है, अनारदाना, यह है अनारदाना जो हमारे छत के ऊपर लगा के रखे हैं और बहुत ही प्यार से इसको पाले हैं दोस्तों, देख सकते हैं बहुत ही प्यार से पाले हैं इसको। और इधर फूल वगैरह का और भी कुछ पेड़ है, इधर देख सकते हैं, इसका लंबाई देख सकते हैं दोस्तों, करीब 8 से 9 फीट हो जाएगा जो अनारदाना का पैर है। तो चलिए दोस्तों, लेट नहीं करते हुए हम ज़्यादा टाइम नहीं लेंगे आप लोग के पास, और जाते हैं केशव भाई के पास और दिखाते हैं वहाँ का नज़ारा, उनका दुकान। भाई तो अभी नया नया एक दुकान खुला है, तो उसको हम अलग से वीडियो लाएंगे आप लोग के पास, अलग वीडियो होगा। तो चलिए जाते हैं केशव भाई के पास।
हेलो दोस्तों, हम जा रहे हैं अभी, ठीक है। और आप लोग सोच रहे होंगे कि हम पंची में बैठे हैं, तो ये देखिए हम साइकिल में बैठे हैं, साइकिल चला रहे हैं। और हमारे पास तो बाइक था, लेकिन हम अभी मेरे पास नहीं है, तो साइकिल से जा रहे हैं हमारे बन्नों को लेकर। तो चलिए दिखाते हैं आने का नज़ारा। दोस्तों हम लोग आ गए हैं, ठीक है। तो हमारे केशव भाई के जो लाइब्रेरी है यही सामने देख सकते हैं। तो चलिए घुसते हैं अंदर और दिखाते हैं भाई का दुकान। और तो फाइनली दोस्तों ये देख सकते हैं हमारे केशव भाई जो अंदर अभी बहुत ही इम्पोर्टेंट काम कर रहा है। काम तो नहीं कर रहा है, लेकिन मोबाइल ज़रूर चला रहा है, ठीक है। तो चलिए भाई से कुछ बात करते हैं और दिखाते हैं आप लोग को। और केशव भाई, आज से मेरा तो वीडियो स्टार्ट हो गया है। रेगुलरली हम वीडियो देते रहेंगे यूट्यूब में। ठीक से बोलो, नहीं तो डिसलाइक पड़ जाएगा। नहीं, डिसलाइक नहीं पड़ेगा। तो ठीक है, हम पहले भैया जिस वीडियो में हम बता रहे हैं, जो कि जिसके लिए हम आए भाई के लिए, भाई के पास, वही पहले आप लोग को बता दिखाते हैं और भाई को बताते हैं कि क्या करते हैं, ठीक है। चलिए, तो फाइनली दोस्तों हम जिस काम के लिए आए थे हमारे केशव भाई के पास, तो काम ऑलरेडी पहले से बना हुआ था, हमको पता नहीं था कि इसलिए कि हमको ज़्यादा नॉलेज नहीं रहता है उस सब बारे में। और हमारे केशव भाई तो ऑलरेडी बहुत ही पढ़े लिखे आदमी हैं, और हम तो छोटा सा एक, क्या बोले, आप लोग तो जानते हैं। तो और नंबर वन ब्लॉगर, अरे नंबर वन तभी होंगे जब भाई लोग जब बोलेंगे सोचेंगे तब होंगे ना। और आप लोग तो हमारे पास तो हो है। और एक बात, जो हम अभी बैठे हैं, जो केशव भाई का लाइब्रेरी शॉप है, हाँ, इसका वीडियो हम अलग से वो देंगे आप लोग को। और यहाँ भाई का कंप्यूटर और सब वगैरह है जो वीडियो को एडिटिंग करते हैं। और भैया कुछ बोलना चाहोगे? बस सब्सक्राइब कर दो प्लीज़ यार, सब्सक्राइब कर दो और लाइक करो, कमेंट करके बताओ कैसा लगा आज का ब्लॉग हमारा। और उम्मीद करते हैं कि इससे बाद हम बहुत ही अच्छे अच्छे ब्लॉग और वीडियो लाएंगे आप लोग के लिए। तो चैनल को सब्सक्राइब कर दो जल्दी से। तो भाई मिलते हैं अगले वीडियो में। और देख सकते हैं शॉप है वो, बाहर तो दिखाई नहीं दे रहा है क्योंकि जो सूर्य का छट्टा है वो ज़्यादा फोकस कर रहा है कैमरा में। और दिखाएंगे अगले वीडियो में, तब के लिए जय हिंद, जय वंदे मातरम, बाय बाय कर दो। देख सकते हैं मसाल दिखा दिए, एक बार दिखा दीजिए। तो देख सकते हैं दोस्तों आप लोग, बहुत ही स्ट्रांग बॉडी है, हाँ, इसीलिए हमारे केशव भाई फेमस है हम लोग के पास, हाँ। तो ठीक है भाई, मिलते हैं अगली वीडियो में।